दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत बिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। कुछ लोगों को ठीक से नींद तो आ जाती है, मगर नींद में कुछ न कुछ अजीब बिहेव करते हैं। ये नींद में बड़बड़ाते लोगों की साइकोलॉजी के बारे में आज बातें करते हैं। नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। रात को नींद बराबर ना आए, डिस्टर्ब होती रहती है तो दिन को भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने मिलती है। मेरे कंसल्टिंग रूम में सोमेश अपनी 27 बरस की पत्नी सिमी के साथ बैठा था। सोमेश बहुत चिंतित जान पड़ता था। डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 1.5 साल ही हुआ है। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आजकल सिमी को एक अजीब प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से वो नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती है। सिर्फ बोलती रहती तब तक तो ठीक था, मगर कई बार तो चीख उठती है, कभी कभी डर जाती है और कई बार तो इतने जोर जोर से हाथ पांव मारती है कि दूसरे रूम में सोए हुए मेरे मम्मी डैडी भी जाग जाते हैं। अभी तो 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था और इसी वजह से मेरे पापा ने आपसे कंसल्ट करवाने का फैसला लिया। मेरे पापा भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। दोस्तों, सिमी जिस प्रॉब्लम से जूझ रही थी वो नींद के साथ जुड़ी हुई कई बीमारियों में से एक थी। नींद में बड़बड़ाना, उधम मचाना, रोना, चिल्लाना इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जो अलग अलग या एक साथ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, सच कहूँ तो नींद में इतना कुछ करती हूँ इस बात की मुझे कोई खबर ही नहीं है। सुमेश मुझे कहता है तब पता चलता है कि रात को नींद में मैंने क्या क्या किया। मुझे भी ताज्जुब होता है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ महीनों से सुबह उठने पर फ्रेश फील नहीं करती। सिमी को एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर था, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में सोमनीलोकी मतलब स्लीप टॉकिंग कहते हैं। इस समस्या में व्यक्ति नींद में कुछ न कुछ बोलता रहता है। वो बोलना कभी धीमे धीमे तो कभी लाउड भी हो सकता है। कई बार एकदम स्पष्ट और समझ में आए ऐसे शब्दों में वो बात करता है, तो कई बार ये बड़बड़ाना एकदम अस्पष्ट भी होता है। कई लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए नींद में बोलते हैं, तो कई नींद में अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। सामान्य रूप से हमारी नींद के दौरान 2 तरह के स्लीप साइकिल चलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। पहले प्रकार यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में हमें सपने आते हैं और दूसरे प्रकार यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट में हमें गहरी नींद आती है। सिमी की समस्या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर की है। सिमी के अनकॉन्शियस माइंड में संघर्ष और एंजाइटी घर कर गए थे। नींद की इस रैपिड आई मूवमेंट अवस्था के दौरान ये सब विचित्र बिहेवियर के रूप में बाहर आ रहे थे। सिमी की केस हिस्ट्री जानने पर कुछ चीजें जानने मिली। सिमी के पिता की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। मम्मी डिप्रेशन का शिकार थी। इसी बीच छोटी बहन को संभालने की जिम्मेदारी उसी पर थी। छोटी बहन जब 10वीं कक्षा में थी तब एक लड़का उसे बार बार परेशान करता था। उस वक्त सिमी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी मम्मी भी इन सब बातों के लिए सिमी के इस इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को जिम्मेदार ठहरा रही थी। तब से सिमी के मन में गिल्ट और गुस्से ने घर बना लिया था। ये बात वो किसी को कह नहीं पाई, मगर अब छोटी बहन की भी शादी तय हो गई थी और सिमी को टेंशन होने लगा था कि लड़का ठीक ठाक तो होगा कि नहीं। बस यही बात सिमी के अनकॉन्शियस माइंड में चल रही थी। दोस्तों, सिमी को साइकोथेरेपी के जरिए गिल्ट और एंजाइटी से मुक्ति मिली। उसकी छोटी बहन भी अब मैच्योर हो चुकी थी और वो अपने निर्णय खुद ले, ये बेहद जरूरी था, और छोटी बहन के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेदार बने उस चिंता से भी सिमी को मुक्त किया गया। ये सारी बातें सोमेश और सिमी समझ पाए। साइकोथेरेपी के साथ साथ सिमी और सोमेश को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहा गया। इस समस्या से जूझ रही व्यक्ति के नजदीक सोने वाले को उसे नींद में से जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि इससे पेशेंट में कंफ्यूजन या चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, या फिर कभी कभी तो सामने वाले पर हाथ भी उठा दे। व्यक्ति को कांस्टेंट बेहतर नींद मिले ये बेहद जरूरी है, मगर उसके लिए बिना मेडिकल एडवाइस के नींद की गोलियां न ले। जैसे ही व्यक्ति की एंजाइटी कम होती जाती है, वैसे ही इस सोमनीलोकी की समस्या दूर हो सकती है। स्ट्रेस लेवल मैनेज हो पाए तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकता है। रेगुलर टाइम पर सोने की आदत स्लीप हाइजीन सुधारता है। सोने से पहले हैवी डाइट को अवॉइड करना चाहिए। रोजाना कम से कम 45 से 60 मिनट चलना बहुत जरूरी है। साथ में मेडिटेशन और सेल्फ रिलैक्सेशन काफी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए,
नींद में बोले गए शब्दों का अर्थ नहीं उसके कारण समझने चाहिए। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।